हिंदी सिनेमा की एक बड़ी ही मशहूर फिल्म है संगम। यह फिल्म वैसे तो 1964 में आई थी, लेकिन आज भी बहुत पसंद की जाती है। इस फिल्म के गाने भी खूब मशहूर हुए थे। इस फिल्म को लेकर एक किस्सा है। यह फिल्म राज कपूर साहब ने बनाई। उस वक्त बॉलीवुड पर राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद छाए हुए थे। राज कपूर को इस फिल्म के लिए दो हीरो और एक हीरोइन की जरूरत थी। राज कपूर एक रोल खुद करना चाहते थे और दूसरे रोल के लिए वह दिलीप कुमार को लेना चाहते थे। राज कपूर जब दिलीप कुमार को साइन करने के लिए गए तो स्क्रिप्ट और एक ब्लैंक चेक लेकर गए। उन्होंने दिलीप कुमार से कहा कि तुम्हें जो रोल पसंद है उसके लिए हाँ कह दो और चेक में जितना रुपया चाहते हो उतने लिखो और यह फिल्म साइन करो। दिलीप कुमार को स्क्रिप्ट तो पसंद आई, लेकिन उन्होंने फिल्म से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि वो यह फिल्म करेंगे तो उनके फैंस आपस में लड़ेंगे और इसका असर उनके संबंधों पर पड़ सकता है। दिलीप कुमार के इनकार के बाद राज कपूर ने देवानंद को फिल्म ऑफर की, लेकिन उन्होंने भी इसे ठुकरा दिया। आखिर में राजेंद्र कुमार फिल्म के लिए तैयार हुए। इस फिल्म में राज कपूर के साथ राजेंद्र कुमार हैं। इसमें वैजयंतीमाला हीरोइन है। वैसे राज कपूर नरगिस को लेना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने भी यह फिल्म करने से इनकार कर दिया था। संगम रिलीज हुई और जबरदस्त हिट रही। उस जमाने में इस फिल्म ने 8 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अगर इसे आज के दौर के हिसाब से देखें तो करीब 700 करोड़ रुपए आता है।